अफगानिस्तान तो 20 साल बाद अमेरिका वापस आया है, पर इस दे नाल ही अमेरिका ते एक होर खतरा भी मंडराउण लगे है। अतवादी संगठन अलकायदा दे मुखी अल जवाहरी दा एक वीडियो सामने आया। हुण तक मन्निया जा रहा है कि अल जवाहरी मर चुके हैं, पर इस वीडियो ने जवाहरी दे जिंदा होण दीआं चर्चावां छेड़ दित्तीआं ने। अमेरिका ते 9/11 हमले की 20वीं वरीगंढ ते इस वीडियो के सामने आने बाद कई तरह के कयास लाए जा रहे हैं। जिहादी वैबसाइट पर नज़र रखने वाले द साइट इंटेलीजेंस ग्रुप मुताबिक ये वीडियो शनिवार को जारी किया गया। अल जवाहरी ने इस वीडियो दे विच एक बार फिर अमरीका नू धमकी दिती। वीडियो च अलकायदा के मुखी अल जवाहरी ने चेतावनी दिती है, समय की लोड़ है कि असी फौजी अते आर्थिक हमलों नाल दुश्मन नू कमजोर करिए, उसनू गोडे टेकण दे लई मजबूर करिए। इसलिए अपने प्रभाव के खेत्र तो बाहर जाना अते दुश्मन ते हमला करना बहुत महत्वपूर्ण है। दुश्मन की धरती ते हमले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए तल अल सिमन वर्गा ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ऑपरेशन दुश्मन फौज के हमले की एक उत्तम उदाहरण है। अमेरिका ने साल 2020 की शुरुआत अल जवाहरी नू मारन का दावा किया, पर इस वीडियो ने अमेरिका के दावे ते भी सवाल चुक दिते ने। हालांकि द साइट इंटेलीजेंस ग्रुप का अनुमान है कि वीडियो हाल ही दे विच शूट नहीं किया गया। अजिहा लगता है कि वीडियो जनवरी तो बाद शूट किया गया होवे। अल जवाहरी ने वीडियो दे विच अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे का जिक्र नहीं किया। इस तरीके नाल अल जवाहरी दे वीडियो च मुड़ सामने आना भी अमेरिका दे लई खतरा मनिया जा रहा है, क्योंकि हुण अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल च है, इसलिए अतवादी अपनी मिट्टी की वरतों कर सकते हैं। इस तो इनकार नहीं किया जा सकता। साइट की डायरैक्टर रीटा कैज ने सोशल मीडिया से कहा है, जवाहरी की मौत के बारे कई खबर सुनिया सन, उस 60 मिनट के नवे वीडियो दे विच नज़र आया, हुण साडे सामने सबूत ने कि वह जिंदा है। रीटा मुताबिक 1 जनवरी नूं सीरिया दे विच रूस के मिलिट्री बेस से हमला किया गया सी। जवाहरी के नवे वीडियो दे विच दस्या गया कि हमला अलकायदा दे ही एक सहयोगी संगठन हुरास अल्दी ने किया सी। पेशे तो अखां दा डॉक्टर मिस्र दे इस्लामिक जिहाद नाम दे कट्टरपंथी संगठन दे गठन दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउण वाले अल जवाहरी नू अलकायदा दे विच ओसामा बिन लादेन दा सज्जा हथ मन्निया जांदा रहा है। यह भी कहा गया है कि 11 सितंबर 2001 नू न्यूयॉर्क दे विच होए हमलों दे पिछे अल जवाहरी दा ही दिमाग काम कर रहा सी। अमेरिका दे साल 2001 दे विच जिहड़े 22 लोड़ींदे कट्टरपंथियों की सूची जारी की, उन्हां दे विच ओसामा बिन लादेन दे बाद अल जवाहरी नू दूजे नंबर ते रख्या गया सी। अल जवाहरी का जन्म साल 1951 दे विच मिस्र च होया। जवाहरी का दादा काहिरा यूनीवर्सिटी का मुखी सी। पहली बार 15 साल की उम्र दे विच गिरफ्तार होया। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाल जुड़न के इल्जाम च गिरफ्तारी हुई। 1974 च काहिरा के मैडिकल कॉलेज तो पढ़ाई की। जवाहरी के पिता काहिरा के मैडिकल कॉलेज दे विच प्रोफेसर सन। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर नू कतल का मुकदमा चलिया। हथियार रखने के दोष दे विच 3 साल की कैद हुई। पाकिस्तान के पेशावर अते फिर अफगानिस्तान पहुंचिया। साल 1999 च मिस्र की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई। कहा यह भी जाता है कि कट्टरपंथी का साथ देने के इल्जाम दे विच अल जवाहरी नू रूस दे विच 6 महीने हिरासत दे विच भी रखा गया सी। 9/11 हमला अमेरिका दे लई बेहद दर्द भरा रहा है, जिस दे कुछ गुप्त दस्तावेज FBI ने जनतक भी किए। उन्हां दस्तावेजा के जनतक होने बाद सऊदी अरब ने कहा है कि यह दिखाते हैं कि हमले दे विच सऊदी अरब की कोई भूमिका नहीं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि 11 सितंबर के हमले नाल संबंधित सारे दस्तावेजा नू जनतक किया जाना चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है, असी एक दहाके तो वध समय तो उस दर्दनाक दिन नाल संबंधित सारे दस्तावेजा नू जनतक करने की मांग कर रहे सी। असी पूरे भरोसे दे नाल कहिंदे आ कि उन्हां दस्तावेजा का कोई भी डाटा दिखावे कि उस घटना दे विच किसी तरह के नाल सऊदी अरब की कोई भागीदारी नहीं सी। इस तो पहला 9/11 हमले च अमेरिका सऊदी अरब की भूमिका नू लैके सवाल चुकदा रहा, पर जो दस्तावेज FBI दे वलों जारी किए गए ने उसने इन सारे दावियां नू खारज कर दिता है। गल्लां कई हुंदियां ने, कुछ माहौल बनाउन वालियां,
कुछ बिगाड़न वालिया कदे कदे ड्राउन धमकाउन वालिया ते कुछ सच दे लिफाफे च झूठ दी चिट्ठी पहुंचाउन वालिया उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। अजिहियां गल्लां हुण होर नहीं क्योंकि आ रहा है साफ सिद्धियां ते सच्चियां गल्लां दा पहला शो मुकदी गल मेरे यानी जगविंदर पटियाल दे नाल।